नमस्कार दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि राजनीति में सबसे ज़्यादा किस पार्टी की किरकिरी हो रही है तो आप क्या कहेंगे, कौन से पार्टी का नाम लेंगे? जी हाँ, जो मैं सोच रही हूँ शायद उसी पार्टी का नाम आप लेंगे। इस बार दोस्तों ऐसा हो रहा है कि मोदी जी के प्रिय प्रिय भक्त भी अब मोदी जी को खुलकर विरोध कर रहे हैं। मोदी जी के प्यारे प्यारे नफरती चिंटू भी अब नफरत को लेकर कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे कैसे हमारी नफरत की दुकान आगे बढ़ेगी। मोदी जी, अगर आप सारे के सारे फैसले, सारे की सारी बात उनकी मान लीजिएगा तो हम तो यहाँ पर बस झाल बजाने बैठे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, बहुत बड़ा ही भूचाल। मोदी सरकार को, बीजेपी को बहुत बड़ा तूफान का सामना इस वक्त करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हालत इस वक्त खस्ता हुई है, उस खस्ते हालत में अब नफरती चिंटू भी बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, प्रिय चैनल वाले भी मोदी जी का साथ छोड़ रहे हैं, एक एक करके साथी घटते जा रहे हैं दोस्तों। एक एक साथी बीजेपी के जो थे वो अब घट रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की। अब सोचिए, जी न्यूज़ जो कल तक भक्ति में लीन रहा करता था, वो क्या खबर छाप रहा है आपको मैं दिखाना चाहूँगी वो खबर, और आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त राजनीति में भाजपा जितना कमज़ोर पार्टी कोई नहीं है, बहुत कमज़ोर पार्टी हो गई है। और इतना कमज़ोर पार्टी हो गई है दोस्तों कि मोदी को लेकर खबर छापे जा रहे हैं, बीजेपी को लेकर खबर छापे जा रहे हैं। मोदी की सत्ता कितने दिन तक टिकेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सत्ता गिरने के जो चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 99% देखने सुनने को मिल रहा है। जी न्यूज़ वाले लिखते हैं, बफ बिल के बाद लेटरल एंट्री भी ठंडे बस्ते में पहुंच गई है, 20 साल बाद बीजेपी को चखने मिला है गठबंधन पॉलिटिक्स का स्वाद। जी हाँ, 20 साल के बाद बीजेपी को गठबंधन पॉलिटिक्स का चखने वाला जो स्वाद है वो देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, जी न्यूज़ लिखता है कि दो घटनाओं से देश की राजनीति में आए बदलाव को समझिए। सितंबर 2020 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कृषि से जुड़े 3 नए कानून लाती है और साल भर में किसानों के विरोध प्रदर्शन करने के बाद दबाव में आगे झुकते हुए नरेंद्र मोदी सरकार उन कानून को वापस ले लेती है। फिर अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों को भरने का एक विज्ञापन दिया जाता है। इस बार भी विरोध होता है, लेकिन सरकार महज 2 दिन के अंदर घुटने टेक देती है। कहाँ तो 1 साल आंदोलन हुआ था दोस्तों, लेकिन यहाँ 2 दिन में बीजेपी घुटने टेक देती है, 2 दिन के अंदर। ये बात जी न्यूज़ भी अब समझ रहा है। UPSC से वो भर्ती रद्द करने को कहा जाता है दोस्तों, जो कुछ दिन पहले ही सरकार ने प्रेशर में आकर बफ संशोधन बिल को संसद की संयुक्त समिति में भेज दिया था। 4 साल के भीतर घटी ये 2 घटना बताती है कि केंद्र में सरकार के काम करने का तरीका कैसे बदल गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 2020 में तो बीजेपी को पंजाब में प्रमुख सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के से नाता तोड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन 2024 में जैसे ही गठबंधन के कुछ दलों के तेवर दिखाने शुरू हुए, बीजेपी को झुकने पर उनके आगे मजबूर होना पड़ा। हालांकि यहाँ पर जी न्यूज़ अभी भी खबरों में कैसे जो चोरी है, नाइंसाफी है, वो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसान आंदोलन की बात कर रहा है, लेकिन अभी बैक टू बैक मोदी जी को अपने कई ऐसे बिल वापस लेने पड़े हैं जो इस बार डंके की चोट पर वो आए थे सदन में पेश करने के लिए, लेकिन वो सब ये नहीं बताएंगे। बफ वोट बिल का तो नाम ले लिया इन्होंने, लेकिन सूचना प्रसारण जो एक समिति की तरफ से जो बनाया गया था, जहाँ पर यूट्यूबर्स को, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको बंद करने की जो कोशिश की जा रही थी, उनको बोलने बोलने की जो आज़ादी है वो छीनने की जो कोशिश की जा रही थी, वो बिल भी लाया गया था। उस बिल को भी बीजेपी ने बैक लिया है दोस्तों, बैकफुट पर गई है। उसके बाद ये लेटरल एंट्री वाला मामला, तो ऐसे कई मामले हैं जो बीजेपी बैकफुट पर गई है। लेकिन खैर, अब छोड़िए, इतना बड़ा दिल दिखाकर ये खबर लिख रहे हैं, ये सब
अच्छी बात है, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि कहा जा रहा है कि जी न्यूज़ कहता है 2020 में जहां बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था, 2024 में एनडीए के भीतर उसकी हालत कमज़ोर हो चुकी है। तब 300 से ज़्यादा लोकसभा सीटों के दम पर वो अड़ी रहने वाली बीजेपी अब सिर्फ 240 सीटों के साथ गठबंधन के सहयोगी दलों के आगे झुक गई है, झुकने को मजबूर है। 2014 में भी बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था, यानी बीजेपी को करीब दो दशक बाद केंद्र की सत्ता में गठबंधन पॉलिटिक्स का स्वाद चखना पड़ रहा है, जिसमें बफ बिल हो गया और तमाम जो लोग हैं वो देखने सुनने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने विरोध किया वो आरक्षण को लेकर के, फिर चिराग पासवान ने विरोध किया, तो ये सब कुछ दोस्तों एक एक करके बीजेपी की नींव जो है वो हिलाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका बीजेपी को अब लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि अब जो बीजेपी को लेकर खबर सामने आ रही है वो ये है, जी हाँ, कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने सुनने को मिल सकता है, जो बीजेपी के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों, बुआ और भतीजा के एक साथ उत्तर प्रदेश में आने की खबर जोरों शोरों से चल रही है, और आज साथ में आने पर पुख्ता भी, जी हाँ, मुहर भी पुख्ता हो गया है, क्योंकि खबर आ रही है दोस्तों कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया था, और इस भारत बंद के आह्वान में सबसे पहले, जी हाँ, किसी संगठन को सहयोग दिया है तो वो मायावती की पार्टी ने, उसके बाद फिर अखिलेश यादव भी मायावती को समर्थन और उन आरक्षण को लेकर समर्थन करते हुए नज़र आए हैं। कहा जा रहा है कि राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, बहुत बड़ा खेला होगा, अखिलेश मायावती फिर से एक साथ आ सकते हैं, जो बीजेपी का चैन सुकून छीना जा सकता है। ये लोग अभी तक तो अलग थे, लेकिन अब इनके आने की संभावनाएं जो हैं वो लगातार पक्की हो रही है। भारत समाचार के हवाले से खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठन के 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। दलित संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों में कई राजनीतिक दल भी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब इसको लेकर मायावती और अखिलेश एक साथ नज़र आ रहे हैं। दरअसल मायावती और अखिलेश यादव ने भारत बंद का एक साथ समर्थन किया है। इस मामले का समर्थन सबसे पहले तो मायावती ने किया, इसके बाद मायावती का साथ देते हुए अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जमकर तारीफ की है। दरअसल दोस्तों, आज सड़कों पर दलित समुदाय के लोगों का ज़बरदस्त तरीके से विरोध चल रहा है। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आ रही है कि बसपा के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत बंद का आह्वान किया है। जैसे ही बसपा ने भारत बंद का आह्वान किया, उसके बाद, जी हाँ, सोशल मीडिया पर लगातार मायावती ने ट्वीट्स करते हुए इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एक निष्पक्ष भावी बनकर अनंतता ख़त्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC ST के उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें ना रोष है ना आक्रोश है। फिर बैक टू बैक जो है मायावती ने इसको लेकर, आरक्षण को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने भी समर्थन देते हुए कहा कि भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव का बयान आया कि आरक्षण की रक्षा करने के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़खानी के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा, और हम इस पूरे मामले को लेकर जो है इन तमाम संगठनों को सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। तो अब देखिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अचानक से बदली है दोस्तों 2024 के लोकसभा में, कि कैसे जो है वहाँ पर बीजेपी जो मजबूत पार्टी थी वो एकदम कमज़ोर लोकसभा में दिखाई दी। उसके बाद धीरे धीरे बीजेपी के अंदर का कलेश सामने आया, और कलेश इतना ज़्यादा सामने आया कि आप सभी को पता है कि क्या हुआ है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार झुक रही है, और इस झुकने की खबर अब मीडिया में भी चारों तरफ से छाई हुई है। नफरती अंधभक्त चिंटू जो मोदी भक्ति में लीन रहते थे वो भी विरोध कर रहे हैं मोदी का, ये कहते हुए कि आप अगर सब बातें उनकी मान लेंगे तो फिर तो वैसे में सरकार चलाने में आपका क्या ही रोल है, फिर आप उनको ही सरकार में बिठा दीजिए, ये सारी बातें भी हो रही है दोस्तों। तो एक तरीके से बीजेपी को घुटने पर लाने के लिए उनके सहयोगी दल कम थे कि अब अखिलेश और मायावती का भी साथ एक तरीके से सामने आ रहा है, वो लोग भी एक दूसरे के साथ आ रहे हैं दोस्तों। अखिलेश यादव का 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बयान दिया गया था
कि बहन जी सम्माननीय है, उनको लेकर कोई भी ऐसी शब्द और कोई भी ऐसी टिप्पणी ना की जाए जिनसे उनके मतलब मान सम्मान में कोई कमी आए। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को जी हाँ कोई भी अनगरल बातें करने से, कोई भी स्टेटमेंट देने से रोक दिया था। तो कहीं ना कहीं राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, और उस भूचाल को देखकर बीजेपी की नैया कैसे डूबेगी दोस्तों, ये तो आगे पता ही चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए जुड़े रहें, देखते रहें, और तमाम खबरों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।